फिल्म शुरू होती है और एक बड़े से डायनासोर हेनरी को दिखाया जाता है जो कि अपनी खेती करने में लगा होता है। उसके साथ उसकी वाइफ भी होती है जो कि बीजों को बोने में उसकी मदद कर रही होती है। उनका खेती करने का तरीका एकदम जबरदस्त होता है। उनकी मेहनत रंग लाती है और बीज उगकर पौधों का रूप ले लेते हैं। फिर उन दोनों को उनके घर में दिखाया जाता है जहाँ उनके बच्चे अंडों से बाहर आ रहे होते हैं। पहला अंडा टूटता है और एक प्यारी सी डायनासोर बाहर आती है। वो दोनों उसका नाम लिबी रखते हैं और दूसरे अंडे से शरारती पर क्यूट डायनासोर निकलता है जिसका नाम वो बक रखते हैं। और अब सबसे बड़े अंडे की बारी होती है। उन्हें लगता है कि ये तो सबसे तगड़ा वाला है, पर जैसे ही अंडा टूटता है तो उसमें सबसे छोटू और सबसे प्यारा डायनासोर होता है जिसे वो आर्लो कहकर बुलाते हैं। आर्लो बहुत ही क्यूट होता है और फिर तीनों भाई बहन की मस्ती शुरू हो जाती है जहां वो बड़े पंजा पर्वत को देखते हैं। और फिर उनके मम्मी पापा उनको अपना खेत दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारा परिवार मिलकर इसकी देखरेख करेगा। अब कुछ टाइम बाद उनकी फसल और उनके बच्चे दोनों बड़े हो जाते हैं और अब वो सब मिलकर काम करते हैं जिसमें आर्लो को मुर्गियों को खाना देने का काम दिया जाता है। पर प्यारा आर्लो बहुत डरपोक होता है। उस बेचारे को तो मुर्गियों से भी बहुत डर लगता है। इस वजह से उसका पूरा काम गड़बड़ हो जाता है। आर्लो अपने पापा से कहता है कि ये सब मुर्गियाँ बहुत बदमाश है, तो उसके पापा कहते हैं कि उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस खाना खिलाओ। फिर वो सारा इकट्ठा खाना पत्थरों के भंडार के अंदर बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अब वो जंगली हमारा खाना नहीं चुरा पाएंगे। जिसके बाद हेनरी की वाइफ और हेनरी अपनी छाप भंडार घर में लगा देते हैं। सारे बच्चे भी छाप लगाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, पर हेनरी उन्हें रोक देता है और कहता है कि इसके लिए तुम्हें कोई बड़ा काम करना होगा जो कि अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए हो, फिर तुम अपनी छाप लगा सकोगे। अब बच्चे और बड़े हो जाते हैं जहां बक मैदान को साफ करके अपनी छाप लगाने का हकदार बन जाता है और लिबी भी अपना काम पूरा करके अपनी छाप लगा देती है। पर बेचारा आर्लो अभी भी वैसा ही भोला भाला डरपोक है। पर सबकी छाप लगी देखकर उसके मन में भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने काम को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। पर वहाँ बक उस बेचारे का उल्लू बना देता है। आर्लो बक से बहुत गुस्सा हो जाता है, पर बक कहता है कि तुम हम सबका काम बिगाड़ते रहते हो, तुम कितने बड़े डरपोक हो। तभी वहाँ बाकी सब भी आ जाते हैं, पर आर्लो वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। फिर रात में हेनरी आर्लो को जगाकर अपने साथ एक अनजान जगह पर ले जाता है जहाँ वो आर्लो से कहता है कि हमें कभी कभी कुछ अच्छा देखने के लिए अपने डर को हराना पड़ता है। हेनरी वहाँ आर्लो को बहुत सारे जुगनू दिखाता है जिन्हें देखकर आर्लो बहुत खुश हो जाता है। वो दोनों ही वहाँ खूब मजे करते हैं। हेनरी आर्लो से कहता है कि कल तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम करना है जिसके बाद तुम भी अपनी छाप छोड़ पाओगे। फिर अगले दिन हेनरी आर्लो से कहता है कि वो जंगली रोज हमारा खाना चुराता है, उसका तो कुछ करना होगा। फिर हेनरी और आर्लो जंगली को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। हेनरी आर्लो को जंगली को खत्म करने का काम देता है और हमारा प्यारा आर्लो भी बड़ी बहादुरी से अपने काम में लग जाता है। तभी उनके जाल में कुछ फंस जाता है। आर्लो देखता है कि वो जंगली है, पर आर्लो उससे डर जाता है। पर फिर हिम्मत करके आर्लो उसे मारने आगे बढ़ता है, लेकिन जंगली को तड़पता देखकर प्यारा आर्लो उसे जाने देता है। पर तभी हेनरी वहाँ आ जाता है और आर्लो पर बहुत गुस्सा होता है। वो उसे लेकर जंगली के पीछे जाने लगता है। आर्लो बहुत डर जाता है। बारिश भी होने लगती है, पर हेनरी आगे बढ़ता जाता है। तभी आर्लो गिर जाता है। हेनरी आर्लो को इस तरह देखकर उससे कहता है कि ओ नहीं, मुझे माफ कर दो, हम बहुत दूर आ गए हैं, हमें वापस जाना चाहिए। और वो दोनों घर की तरफ आने लगते हैं, पर तभी पानी का बहाव बढ़ने लगता है। हेनरी आर्लो को बचाने के लिए ऊंची पहाड़ी पर फेंक देता है, पर वो खुद तेज बहाव में बह जाता है और वो मारा जाता है। अब आर्लो और उसकी माँ फसल को इकट्ठा कर रहे होते हैं, पर उसकी माँ बहुत कमजोर हो गई है
वो आर्लो से कहती है कि तुम्हें थोड़ा ज्यादा काम करना होगा, वरना सर्दियों के लिए खाना कम पड़ जाएगा। तो आर्लो कहता है कि माँ, मैं अपने परिवार को भूखा नहीं मरने दूंगा। और बेचारा आर्लो काम में लग जाता है, वो भंडार में खाना डालने लगता है, पर तभी अंदर से कोई खाना बाहर फेंक देता है। आर्लो देखता है तो वो जंगली होता है। आर्लो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर जंगली भंडार से बाहर भाग जाता है। आर्लो उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मेरे पापा आज नहीं है। जंगली आर्लो के नाक पर चढ़ जाता है, जिस वजह से आर्लो डर जाता है और नदी में गिर जाता है और पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को नदी के किनारे पर पाता है, पर अपने घर से बहुत दूर। उसकी टांगों पर भी चोट लगी होती है। वो अपनी माँ को पुकारता है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। वो काफी डर जाता है। तब उसे जंगली दिखता है। आर्लो उसे पकड़ने के लिए पहाड़ी पर चढ़ जाता है और उसे कहता है कि सब तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। पर जंगली वहाँ से चला जाता है। अब आर्लो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। वो नदी के सहारे अपने घर के रास्ते को ढूंढने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे बेरिया नजर आती है। आर्लो बेरियों को खाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो बहुत ऊंची होती है, जिस वजह से आर्लो गिरकर पत्थरों के बीच फंस जाता है। और रात हो जाती है। प्यारा आर्लो बहुत उदास और डरा हुआ होता है। फिर सुबह वो देखता है कि किसी ने उसके पैर पत्थरों से छुड़ा दिए हैं, और वो और कोई नहीं जंगली होता है। अब आर्लो फिर से अपने घर की ओर निकल पड़ता है, पर रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। आर्लो बड़ी मुश्किल से अपने लिए एक टूटा फूटा घर बनाता है। तभी जंगली एक कीड़े को पकड़कर वहां लाता है। वो चाहता है कि आर्लो उसे खाए, पर आर्लो तो कीड़ा नहीं खाता। जंगली फिर थोड़ी देर बाद दूसरा कीड़ा पकड़ कर लाता है, पर आर्लो उसे भी नहीं खाता। अब जंगली आर्लो के लिए बेरिया लेकर आता है, जिसे देखकर आर्लो बहुत खुश होता है। पर वो जंगली से कहता है कि मैंने तुम्हें अभी भी माफ नहीं किया है, पर क्या तुम मुझे और बेरिया दे सकते हो? तो जंगली उसे अपने पीछे आने को कहता है, और आर्लो भी जंगली के पीछे जाने लगता है। जंगली भले ही शरारती है, पर वो बहुत ही प्यारा है। वो आर्लो को एक तंग रास्ते पर ले जाता है, पहाड़ियों के बीचों बीच, जहाँ बेरियों का बहुत बड़ा पेड़ होता है। पर जंगली आर्लो को उस पेड़ से दूर रहने को कहता है, पर आर्लो कहता है कि क्या है, तुम्हें दौरे पड़ते हैं क्या? अब इतनी दूर आ गए हैं तो पेट भरकर बेरिया खाएंगे। पर आर्लो जैसे ही बेरिया खाता है तो एक जहरीला सांप उस पर आ जाता है, जिस वजह से आर्लो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, जहां सांप उस पर हमला करने लगता है। पर तभी जंगली वहां आकर आर्लो को सांप से बचा लेता है। ये सब होता हुआ एक बड़ा सा डायनासोर देख लेता है। वो आर्लो से कहता है कि इस छुटकू ने तुम्हारी जान बचाई, पर क्यों? आर्लो कहता है कि पता नहीं, पर क्या आप मुझे पंजा पर्वत का रास्ता बता सकते हो? मुझे मेरे घर जाना है। तब वो डायनासोर कहता है कि ठीक है, पर हमें वो छुटकू चाहिए, उसका क्या नाम है? आर्लो कहता है कि पता नहीं। तो डायनासोर कहता है कि हम नाम के लिए ध्यान लगाएंगे, नाम रखा तो उसे भी रखेंगे। और वो अलग अलग नाम कहने लगता है, जिसे देखकर आर्लो भी नाम बोलने लगता है। और आर्लो जंगली को स्पॉट कहकर पुकारता है, और उसके स्पॉट कहते ही जंगली उसके पास आ जाता है, क्योंकि छुटकू जंगली का नाम स्पॉट होता है। डायनासोर कहता है कि ठीक है, ये तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारी पंजा पर्वत जाने के रास्ते में रक्षा करेगा, तुम इसका साथ मत छोड़ना। फिर आर्लो और स्पॉट अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ वो रास्ते में खूब मस्ती करते हैं। स्पॉट आर्लो को पानी में तैरना भी सिखाता है, जिसके बाद वो दोनों गलती से कुछ सड़े हुए फल खा लेते हैं, जिससे उन दोनों को नशा हो जाता है, जिससे उनकी बैंड बज जाती है। अब रात हो जाती है। आर्लो स्पॉट को अपने पापा की तरह जुगनुओं को दिखाता है, जिन्हें देखकर छुटकू स्पॉट भी हैरान हो जाता है। वो दोनों ही उन्हें पकड़ने लगते हैं। स्पॉट और आर्लो बहुत प्यारे हैं। फिर आर्लो कहता है कि मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है। वो लकड़ियों की मदद से स्पॉट को बताता है कि ये मेरा परिवार है, पर आर्लो को लगता है कि स्पॉट नहीं समझ पाएगा। पर तभी स्पॉट भी लकड़ियां लाकर अपना परिवार बनाता है और अपने माँ पापा को मिट्टी में दबा देता है, क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं है।
ये देखकर आर्लो भी इमोशनल हो जाता है और अपने पापा को मिट्टी में दबा देता है। वो दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर स्पॉट अपने माँ पापा की याद में हाउल करने लगता है, जिसे देखकर आर्लो भी हाउल करता है। अब अगले दिन फिर से वैसा ही तूफान आता है जैसा तब आया था जब आर्लो ने अपने पापा को खो दिया था। आर्लो और स्पॉट भी तूफान में फंस जाते हैं, पर तूफान थमने पर पता चलता है कि वो दोनों सुरक्षित है। पर आर्लो नदी ना दिखने की वजह से परेशान हो जाता है। वो कहता है कि पता नहीं अब मैं घर कैसे जाऊंगा। तभी उसे कुछ परिंदे नजर आते हैं। आर्लो उनसे मदद मांगने लगता है, पर आर्लो इस बात से बेखबर होता है कि वो परिंदे बहुत ही बदमाश है। वो आर्लो से कहते हैं कि हमें तुमसे जंगली की बू आ रही है, जल्दी बताओ वो कहाँ है। आर्लो के बहुत छुपाने के बावजूद भी उन्हें स्पॉट दिख जाता है, पर आर्लो और स्पॉट वहाँ से भागने लगते हैं। वो परिंदे भी उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर तभी दो बड़े डायनासोर आकर आर्लो और स्पॉट को उन परिंदों से बचा लेते हैं। तभी वहाँ उनके पापा भी आ जाते हैं। आर्लो उनसे कहता है कि मुझे नदी की तलाश है, पंजा पर्वत वाली। तो वो कहते हैं कि हमें तो अपनी भैंसे ढूंढनी है, अभी बच्चों को संभालने का टाइम नहीं है। तो आर्लो कहता है कि स्पॉट की नाक बहुत तेज है, वो आपकी भैंसों को ढूंढ लेगा। जिसके बाद सच में स्पॉट उनकी भैंसों को ढूंढ लेता है, जिससे खुश होकर वो डायनासोर आर्लो और स्पॉट को भी अपने साथ रख लेते हैं। फिर रात में वो सब खूब गप्पे लड़ाते हैं और एक दूसरे को अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाते हैं। तभी पहली बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। आर्लो कहता है कि मुझे जल्दी मम्मी के पास पहुंचना होगा, उन्हें मेरी जरूरत है। तब वो सब कहते हैं कि हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। फिर अगले दिन वो सब भैंसों के झुंड को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, जहां आर्लो और स्पॉट भी उनकी मदद करते हैं। तभी रास्ते में आर्लो को पंजा पर्वत दिख जाता है, जिसे देखकर आर्लो बहुत खुश हो जाता है और उन सब से अलविदा लेकर स्पॉट के साथ अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। वो दोनों ही बड़ी खुशी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं, जहां वो ऊंची पहाड़ियों पर आसमान के ऊपर पहुंच जाते हैं और ये नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो दोनों पंजा पर्वत के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं, पर फिर से बारिश शुरू हो जाती है और वो परिंदे एक बार फिर से उन पर हमला कर देते हैं और स्पॉट को अपने साथ उड़ा ले जाते हैं और आर्लो को पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं, जहाँ आर्लो बेलों में फंस जाता है और बेहोश हो जाता है। तब आर्लो को अपने पापा नजर आते हैं, जो उसे बेलों से आजाद कर देते हैं। आर्लो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके पापा उसे घर की तरफ ले जाने लगते हैं, पर आर्लो कहता है कि मेरा दोस्त दूसरी तरफ है, मुझे उसे बचाना होगा पापा। पर उसके पापा कुछ भी नहीं बोलते। तब आर्लो को पता चल जाता है कि वो सच में यहाँ नहीं है, ये तो बस उनकी परछाई है। तभी उसके पापा उससे कहते हैं कि जाओ अपने दोस्त को बचाओ, और तभी आर्लो की आंख खुलती है, क्योंकि ये सपना होता है। आर्लो किसी तरह खुद को बेलों से छुड़ा लेता है और स्पॉट को बचाने के लिए निकल पड़ता है और उन परिंदों से लड़ना शुरू कर देता है। पर तभी पानी का बहाव बढ़ जाता है और आर्लो और स्पॉट दोनों ही पानी के बहाव के साथ बह जाते हैं। आर्लो स्पॉट को किसी तरह पकड़ लेता है और पानी से बाहर ले आता है, जहाँ स्पॉट कुछ देर के बाद होश में आ जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और पंजा पर्वत की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ अब आर्लो को अपना घर नजर आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। पर तभी कोई पीछे से हाउल करता है, जो कि बिल्कुल स्पॉट की तरह लग रहे होते हैं। स्पॉट उनकी तरफ आगे बढ़ता है और वो और कोई नहीं स्पॉट के मम्मी पापा और बहन भाई होते हैं। वो स्पॉट से मिलकर बहुत खुश होते हैं और स्पॉट भी बहुत खुश हो जाता है। पर वो आर्लो के पास वापिस आ जाता है, पर आर्लो उसे वापिस अपने परिवार के पास भेज देता है, क्योंकि आर्लो को परिवार की अहमियत पता है। पर वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ने पर बहुत उदास होते हैं, पर फिर भी स्पॉट अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट जाता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए हाउल भी करते हैं, जिसके बाद आर्लो भी अपने घर आ जाता है। उसका परिवार उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो सब उसे गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद वो आर्लो को अपनी छाप लगाने को कहते हैं और आखिरकार आर्लो भी अपनी छाप भंडार घर पर छोड़ ही देता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।
और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी, ताकि मेरा मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।